अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू धात के ताल्लुक से है। जिन लोगों को धात, कतरा और पेशाब में जलन हो तो इंशाल्लाह बहुत सी दवाई आपने यूज करके देख ली हो, धात ना जाती हो, आपका पैनिश के बाद में जो तनाव आता है, यानी पैनिश में जो तनाव आता है वो उसके बाद में जो चेपा डाला जाता है उसका रंग जो है वो पेशाब यानी पानी की तरह होता है, वो कतरा उसका यानी बिल्कुल एकदम पानी जैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है वो। तो इंशाल्लाह इन तीनों ही यानी मर्जों के लिए पेशाब में जलन हो, कैसी जलन हो, ना जाती हो और धात जाती हो पेशाब के आगे पीछे और पैनिश में तनाव के बाद में जिसके कतरा निकल जाता है, तो इंशाल्लाह उसके लिए आज एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूँ बेझिझक, यानी आप आँख मीच कर इसे इस्तेमाल करें। और पहले ही दिन से आपने अगर दवाई खा कर देख ली हो और इंशाल्लाह उनके लिए भी थके हुए व्यक्तियों के लिए इंशाल्लाह पहले ही दिन से ये आपको फ़ायदा करेगा और बहुत ख़ास फार्मूला है, तो इंशाल्लाह आप इसे समझिए और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिए। इसके तरीका ये है कि जो आप स्क्रीन में ये आप दो दवाई देख रहे हो, एक तो ये पहली जो दवा है इसकी, ये तुख्मे रिहान है, तुलसी के बीज। तो ये मार्केट से आप पंसारी स्टोर से आप इसे आसानी से ला सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता है। तो ये दो नामों से मिलता है, इसका आप नोट कीजिए, ये तुलसी के बीज से भी मिलता है और तुख्मे रिहान से भी। तो इंशाल्लाह आप इसे नोट कीजिए, यानी कीजिए तुख्मे रिहान 100 ग्राम और 100 ग्राम में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मिश्री, यानी ये दो दवाई हैं, दो यानी 100 ग्राम आपको तुख्मे रिहान लेना है और 100 ग्राम ही मिश्री लेनी है, यानी ये दोनों दवाई आपको हम वज़न लेनी है, यानी बराबर मात्रा में लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी। आप चाहे 100-100 ग्राम लो, 200-200 ग्राम लो या कितने भी लो, 200-200 ग्राम बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसे बराबर मात्रा में इसका आप अलग अलग करके पहले आपको ये तुख्मे रिहान का तुलसी के बीजों का सबूत बनाना है, एक साथ मत डालना इसको, यानी किसी ग्राइंडर में जस्ते में आप इसको एक साथ नहीं डालना, नहीं तो इसका ढिम्मा बन जाता। तो इंशाल्लाह आप इसको ग्राइंडर या मिक्सर में अलग अलग या हमम जस्ते में अलग अलग इसका सपूप बनाएं और इसका सपूप बनाकर किसी कांच के या डब्बे में, यानी कांच की शीशी में या अच्छे किसी डब्बे में इसे आप इंशाल्लाह भर के रखें। और इसका इस्तेमाल का तरीका है, आप सुबह निहार मुँह 1 चम्मच गाय के दूध से, और इंशाल्लाह सुबह निहार मुँह 1 चम्मच गाय के दूध से और शाम को खाना खाने से पहले आप गाय के दूध से इसे इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। पहले ही दिन से ये कैसे धात जाती हो, कैसे पेशाब में जलन हो और कैसे कतरा आपको जाता हो, मजी आपको जाती हो, तो इंशाल्लाह इन तीनों मर्जों के लिए अलग अलग एक ही दवाई से इंशाल्लाह आपको पहले दिन से फ़ायदा होगा। और आप इस नुस्खों को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखें। और मुझसे आपको अगर कोई भी XYZ किसी भी मर्ज़ के लिए आपको दवाई यानी मंगवानी हो, तो इंशाल्लाह नामर्दी हो, शीघ्र पतन के ऐसे रोगी जो थक कर बैठ गए हों, यानी फ़ायदा ना होता हो, तो इंशाल्लाह आप एक बार यानी सेवा का मौका दें। कैसे ही नामर्दी हो, यानी सफ़ेद दाग हो, सोराइसिस हो और मसाने में गदूद हो, और इंशाल्लाह XYZ हर तरह का इलाज, और आप इंशाल्लाह मुझसे दवाई मंगवाएं और इंशाल्लाह मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझसे आप मिलें। और किसी भी मर्ज में आपको किसी भी यानी आपको मर्ज हो कोई भी, आप यानी आप मुझसे मशवरा लें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही दवाई और सही मशवरा मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।